हेलो फूडीज, माय नेम इज पूजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है समथिंग फूडी चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं चटपटा तवा पुलाव और पाव भाजी। सब्जियों को बिना उबाले ही आज हम पाव भाजी बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तवा पुलाव बना लेते हैं। तवा पुलाव बनाने के लिए हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून राई। राई और जीरा हल्का सा फूटने के बाद अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, थोड़ी सी कैप्सिकम, 1/2 बारीक कटा हुआ गाजर। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे कम्प्लीटली नहीं पकाना है, इसे हल्का सा फ्राई करना है। इन सब्जियों को 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे 20 से 30 सेकंड तक भून लेंगे। इसे 20 से 30 सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इस टमाटर को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हमें टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकने देना है। ये तवा पुलाव बहुत ही झटपट बनता है और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। टमाटर को पकाते वक्त हम इसमें 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 उबला हुआ आलू ऐड करेंगे, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये उबला हुआ आलू इस तवा पुलाव में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस आलू को इसमें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी पकाया हुआ बासमती चावल ऐड करेंगे। आप इसकी जगह रात का बचा हुआ चावल भी यूज़ कर सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और इस बटर को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। बटर के यूज से इस तवा पुलाव को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बटर को मिक्स करने के बाद अब हम इसे 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। एकदम स्पाइसी और चटपटा ये पुलाव बनता है, जिसे आप खा के बहुत खुश होंगे। 1 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इस धनिए को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये एकदम टेस्टी गर्मा गर्म तवा पुलाव अब सर्व करने के लिए रेडी। अब हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। जैसे कि मैंने कहा था कि हम इस पाव भाजी को बनाते वक्त सब्जियों को उबालने नहीं वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और इस बटर को इसमें मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/2 कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से बनाई हुई पाव भाजी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट के बाद ये सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और इस टमाटो प्यूरी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे
आधा टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इस पाव भाजी को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को ऑयल छूटने तक पकने देंगे। तो ये देखिए, इस टमाटर को हल्का सा ऑयल छूटना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें दो उबले हुए मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इस पाव भाजी को बनाते वक्त सब्जियां उबालने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए जब भी आपके घर में कोई भी मेहमान आए, आप 10 मिनट में ये पाव भाजी बना के रेडी कर सकते हो। मिक्स करने के बाद ये बहुत ही गाढ़ा बना है, तो अब हम इसमें एक कटोरी पानी ऐड करेंगे और एक मैशर की हेल्प से हम इसे मैश करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एकदम सुपर डुपर टेस्टी ये पाव भाजी बनती है और आपके घर के सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका कलर और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए अब हम इसमें 2 से 3 पिंच बीटरूट पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके घर में बीटरूट अवेलेबल हो तो आप उसे कद्दूकस करके जब हम गाजर डालते हैं तभी इसमें ऐड कीजिए। बीटरूट के यूज से इस पाव भाजी को बहुत ही बढ़िया कलर आता है। बीटरूट पाउडर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी बनाई है, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद लगभग 2 मिनट तक हम इस पाव भाजी को पका लेंगे ताकि सारे मसालों का टेस्ट इस पाव भाजी में एकदम परफेक्टली आए। 2 मिनट के बाद ये एकदम परफेक्ट कलर वाली और उतनी ही टेस्टी पाव भाजी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम पाव भाजी के लिए पाव सेक लेते हैं। इसके लिए हमने पैन ऑलरेडी गरम कर लिया है। अब हम इस पैन के ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इस बटर के ऊपर कट किया हुआ पाव रखेंगे और इसके ऊपर भी हम अच्छे से बटर अप्लाई करेंगे। हमें दोनों साइड से इस पाव को बटर लगा के अच्छे से सेक लेना है। दोनों साइड से ये पाव अच्छे से सिक चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म पाव भाजी और तवा पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।